तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद से मिलने इस्लामाबाद पहुंचे। वालद का तल्लक सवाबी से, वालदा का तल्लक हजारा से, आप पले बड़े मार्गला की पहाड़ियों में, 24 साल पीटीआई की दिन रात खिदमत की, सेनेट का टिकट मिल गया, क्या समझते हैं हक के खिदमत वसूल हो गया? जी हाँ, अल्लाह ने बढ़ के दिया है और जितना भी अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करें कम है, और बहुत बड़ी चीज़ है ये। किसी सियासी घराने से ताल्लुक़ नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं इमरान खान साहब से। मेरा ख्याल है मैं अपने चीज़ों से ज़्यादा मुझे मिल गया। आप जिस खूबसूरत अंदाज में इमरान खान की आमद का ऐलान करते थे, नकीब इनकलाब और दाईये इनकलाब का किरदार अदा करते थे, क्या इमरान खान आपको बाद में शाबाश देते थे? उन्होंने ही सिखाया, उन्होंने ही बनाया, उन्होंने ही बताया, और सब कुछ उनसे सीखा, और उनकी इनक्रेजमेंट बहुत ज़रूरी थी, और वो मोटिवेट करते थे तो बहुत ज़्यादा और अच्छा काम हो जाता था। लीडर में क्वालिटी होती है कि वो अपनी टीम को मोटिवेटेड रखता है, और ये इमरान खान साहब जानते थे। बल्कि जो पहली मुलाकात ही हुई, एक कॉर्नर मीटिंग हो रही थी, और वहाँ पर इमरान खान साहब जो है स्पीच करने के लिए आए थे, तो मैं चला गया स्टेज पे और मैंने कहा मैं आपके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। तो ये 96 अक्टूबर की बात है, तो उन्होंने कहा कहो। मैंने कहा नहीं, माइक पे कहना चाहता हूँ। तो उन्होंने स्टेट सेक्रेटरी को कहा कि इस बच्चे को भी मौका दो। तो मैंने 2-3 मिनट की तकरीर कर दी बेनज़ीर, नवाज शरीफ, और फिर मैंने कहा अल्लाह ने हमें एक लीडर दिया, इमरान खान एक ऑप्शन दिया। तो वो खैर तकरीर करके मैं सामने बैठ गया। इमरान खान साहब ने अपनी स्पीच में मेरा नाम लिया और लड़के से मेरा नाम पूछा, मेरा नाम लेके उन्होंने इतना मैं मोटिवेट हुआ वो दिन और आज का दिन। मैंने कहा मैं अब पीछे नहीं हटना, बड़ा मोटिवेट किया। ब्रॉडकास्टर रहे, एडवर्टाइज़र रहे, अपना रेडियो भी बनाया, इसने कितना आपकी ये जो नियाबत नकाबत, इसमें कितना अहम किरदार अदा किया? आपकी अच्छी उर्दू, क्या इसके गुर अपने प्रोफेशन से सीखे? अच्छी उर्दू जो है, ज़ाहिर है वो कराची, जब मैं एडवर्टाइजिंग में काम कर रहा था, कराची के बहुत चक्कर लगते थे, शूट वगैरह होते थे, तो कराची ने मुझे अच्छी उर्दू दे दी। और दूसरा ये हो गया कि रेडियो आपकी अच्छी ट्रेनिंग कर देता है। बड़े बड़े जो टीवी के भी नाम हैं वो रेडियो से आए, और स्टेज के भी नाम, तारिक अजीज़ साहब जो हैं वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जलसों की मेज़बानी करते थे, और रेडियो से उन्होंने भी आगाज़ किया था। रेडियो ने मुझे बड़ा ट्रेन किया। आप भी तो तारिक अजीज़ की नकल बहुत अच्छी करते हैं। ये सुहेल भाई साहब, अब तो खैर ये पहले वो कर लेता था काफ़ी लोगों की, लेकिन अब ये मैंने काम छोड़ दिया। और किस किस की कर लेते थे नकल? छोटे होते हुए मैंने काफ़ी लोगों का, कुछ हमारे एक्टर्स हैं, शफी मोहम्मद शाह साहब हैं, इस तरह हमारे कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं, एतज़ाज़ अहसन साहब हैं, और हमारे कुछ क्रिकेटर्स भी हैं, इंज़ामुल हक हैं। उनकी मैं छोटा होता था तो अपने कज़न्स के साथ इधर उधर जहाँ हमारी गैदरिंग्स होती थी तो शौकिया तौर पर मैं करता था, और पज़राई भी मिलती थी। पीटीआई के 600 जलसों की मेज़बानी की, धरने के 126 दिन मुसलसल स्टेज पर रहे, मुकर्ररीन को मैनेज करना मुश्किल नहीं होता? लोहार कोई कहता है मुझे ज़्यादा वक्त है। ये सही कह रहे हैं आप, मैनेज करना तो बहुत मुश्किल होता है, और फिर बातें सुनना भी बहुत मुश्किल होता है, और फिर गिले शिकवे शिकायतें, ये मुश्किल फेज़ था। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि इसमें भी इमरान खान साहब ने मुझे बड़ी मदद भी की। और बाज़ अवक़ात ये होता था सुहेल भाई कि इमरान खान साहब किसी मुकर्रर ने अगर स्पीच करनी है किसी लीडर ने, तो उसको ओके कर देते थे, और मेरे पास टाइम नहीं होता था तो मैं उनसे कहता था अब मैं क्या करूं, कहते रहने दो, अब मेरी दुश्मनी हो जानी उनसे, तो वो बड़ा एक मुश्किल होता था। बल्कि एक जलसा था हमारा लियाकत बाग का, तो वहाँ जावेद हाशमी साहब ने कहा कि अब टाइम कम था, उस वक्त हमें कवरेज का भी ख्याल रखना होता था, मीडिया कवरेज भी हमें करवानी होती थी कि अब इमरान खान की स्पीच जो है वो लाइव आ रही है, उन दिनों टेलीविज़न इतना कवर नहीं करता था, तो हम टाइम दे देते थे टीवी चैनल्स को कि 7:15 बजे स्पीच इमरान खान साहब शुरू करेंगे, अब हमने वो टाइम मीट करना है क्योंकि टीवी को बताया हुआ है, तो उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे। तो जावेद हाशमी साहब ने कहा कि मैंने कहा आज स्पीच जो है छोटी कीजिएगा, तो उन्होंने कहा नहीं, अगर शाह महमूद 15 मिनट की करेंगे तो मैं 20 मिनट की करूँगा, तो वो थोड़ा सा मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। फिर कैसे मैनेज किया?
फिर वो कभी मैनेज हो जाता था, कभी हमें मुश्किल हो जाती थी, लेकिन ये काफ़ी दफ़ा स्टेज पे प्रॉब्लम्स आती थी। कैंपेन में बहुत मेहनत की, पीटीआई का सबसे जाना पहचाना चेहरा तो आप थे, हुकूमत मिली तो वजारत ना दी गई, आपको दुख तो लगा होगा। सबसे बड़ा ओहदा है मेरे पास, वो है इमरान खान साहब मेरे बॉस हैं, जो मुझे काम देते हैं मैं करता हूँ, मुझे बस यही चाहिए, कोई ओहदा नहीं चाहिए ना। मैं लेकिन आपको वजीर बना देते तो क्या रहता? बहुत ही बुरा होता। क्यों? कभी भी नहीं बनना चाहता मैं वजीर या कोई भी चीज़, क्योंकि मुझे सिर्फ मुझे पैशन है इस कॉज के साथ, और उसके लिए मुझे किसी वजारत की ज़रूरत नहीं है। अगर इंसान काम करना चाहे तो बगैर वजीर बने भी काम कर सकता है, और ना करना चाहे तो वजीर बन के भी नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है वजीर बन के आप पे ज़्यादा प्रेशर आता है। अगर वजीर बना दिया जाए तो आप इनकार करेंगे? मैं बिल्कुल उसको उस पर बहस ज़रूर करूँगा, लेकिन जो हुक्म होगा फिर उसकी तामील करनी पड़ेगी और फिर पैशन से काम करना पड़ेगा, लेकिन उसको एकदम हाँ भी नहीं करूँगा। MBA मार्केटिंग भी है, PTI की अच्छी मार्केटिंग भी की, तो क्या अब सियासत के बाजार में ही रहने का इरादा है या वापस अपने प्रोफेशन की तरफ भी जाएंगे? अब साथ साथ पैरेलल काम करना चाहता हूँ। बड़ा मुश्किल होता है पॉलिटिक्स में कि आप पैरेलल काम करें। पहले हमारी PTI में हम पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस थे, तो काम भी करता था और पॉलिटिक्स भी करता था, लेकिन अब तो फुल टाइम हो गया। अब देखेंगे बाद में, स्क्रिप्ट राइटिंग का बड़ा शौक है, ड्रामे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मैंने काम किया, जो TV कमर्शल्स बनाए उसके ऊपर, वो फील्ड ज़ाहिर है मेरा पैशन था। 17 साल मैंने उसमें काम किया और रोज़ाना जाने वाला, यानी 17 साल लगातार मैंने काम किया, तो मिस तो करता हूँ उसको, लेकिन अभी भी अपनी क्रिएटिविटी है। कभी कभी मैं बैठ के, और PTI में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ब्रांड मैनेजमेंट का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मुझे काम आता है इसी पूरी PTI के मीडिया के हवाले से भी। जब आप प्रोफेशनल नौकरी भी कोई नहीं करते, सिर्फ सियासत करते हैं, तो घर का खर्च कैसे चलता है? ये बड़ा मुश्किल था। जब 2016 में मैंने मुकम्मल तौर पे जॉब छोड़ दी थी, तो उसके बाद मैंने सोचा था कि सियासत फुल टाइम सियासत करेंगे, साथ में कोई बिज़नेस कर लूँगा। बिज़नेस तो मैंने शुरू करने की कोशिश की, लेकिन वो पैनामा और इतने जलसे और इतनी कैंपेन आ गई कि मैं बिल्कुल टाइम नहीं दे सका, तो मुझे बड़ा नुकसान भी हुआ और वो बड़ा मुश्किल वक्त था। लेकिन फिर अल्लाह ताला का करम है और इमरान खान साहब की मेहरबानी कि मुझे सेनेटर बना दिया, तो ये सेनेट की जो इनकम है और फिर घर से भी हो जाता है, तो मोर देन इनफ। तो सेनेट से कितनी सैलरी आ जाती है? 1.5 लाख के करीब है, और उसमें अच्छा घर की सपोर्ट भी साथ है, तो दोनों मिलके हम जो हैं वो गुजारा कर लेते हैं, अच्छा हो जाता है। उनके दोस्त सेनेटर ज़ीशान ने नाश्ते पर मधु किया। सेनेटर ज़ीशान ने ग्रेनोला योगर्ट खुद पेश किया। आपको ऑनेस्टली बताऊं, पहले तो मेरी मुलाकात नहीं थी फैसल साहब से, लाइक माइंडेड। जैसे ही हम पहली मुलाकात में ही पता चल गया कि हमारा जो है तो माइंड एक ही है और हमने एक ही उस पर करना है काम, तो बेसिकली जो यूथ है तो उस पर हम काम करना चाहते हैं एक साथ, और हम कर भी रहे हैं। और फैसल साहब बहुत ही एक हम्बल किस्म के आदमी हैं, और मैं समझता हूँ कि कुछ लोग ये समझते हैं कि जिस तरह की स्पीच करते हैं और जिस तरह से ज़ोरों शोर से अपनी बात करते हैं, तो वैसे दिल से जो है तो ये काफ़ी अच्छे इंसान है और सॉफ्ट इंसान है। ज़ीशान साहब यंग सेनेटर हैं हमारे, एक यंग जितने भी सेनेटर्स हैं हम लाइक माइंडेड, हम बहुत ज़्यादा इकट्ठा काम करते हैं लेजिस्लेटिव बिजनेस के ऊपर बहुत सी, और इनसे अभी मुलाकात की है, हम कुछ चीज़ें डिस्कस करने लगे हैं आज, जो कि आगे के हाउस की प्रोसीडिंग्स होनी है और जो हमारे प्राइवेट मेंबर बिल्स भी हैं उनके हवाले से भी डिस्कशन कर रहे हैं कि किस कदर जो हमारे पाकिस्तान की 70% आबादी जो है वो 35 साल से उम्र से कम है, और हम किस तरह से उसको इंगेज कर सकते हैं, कॉलेज गोइंग यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स को, कि वो इस लेजिस्लेटिव बिजनेस में भी अपना आइडियाज़ भी दें और चीज़ें भी करें, और सेनेट मेरा ख्याल है बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है इस हवाले से, तो उस पर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करते हैं और फिर टेक्निकल चीज़ें भी देखते हैं और कमेटीज़ के अंदर भी हम मिलके एक्टिवली काम करते हैं। पुरतकल्लुफ नाश्ते का एहतमाम था।
सेनेटर फैसल जावेद 12-13 साल पुराने मॉडल की गाड़ी में सफर करते हैं। साबक सीनियर ब्यूरोक्रेट और पीटीआई के हामी रोहिदात खान से मिलने उनके घर आए। उनके बेटे ने इस्तकबाल किया। वेलकम जी। बड़ी मेहरबानी जी आप। थैंक यू। मैं वहाँ बैठा होता था कभी कभी। इमरान आता था कराची से, फैसलाबाद से, मुल्तान से। मैं उनका इंतज़ार करता था जी। तो वो जब आ जाते थे कंटेनर में तो मुझे कहते थे हाथ से पकड़ करके कि चलें ऊपर चलें जी। और मैंने देखा जी हज़ारों की तादाद में यंग बॉयज़ यंग गर्ल्स बैठे हुए हैं वहाँ पर रात के 12 बजे तक इमरान की बातें सुनने के लिए जी। ये अल्लाह ताला ने इसको भेजा है जी, और ये मिशन इसके हवाले किया है जी कि इस मुल्क को बचाना है जी, इस मुल्क को बचाना है जी। और मैं इसलिए उसके पास जाता था फॉर टू रीज़न जी। मैंने सबको देखा है जी। मैंने अयूब खान को भी देखा है, मैंने याया खान को भी देखा है, बहुत क्लोजली, बहुत क्लोजली। इसकी दो क्वालिटीज हैं, इंटेग्रिटी और क्रेडिबिलिटी जी। ये पहली दफ़ा है जी कि एक ऐसा आदमी आ गया है जी जिसके साफ हाथ साफ हैं। ये जो इस मुसीबत में बमर में पाकिस्तान फंसा हुआ है, ये निकालेगा उसको भी फैसल जावेद के साथ। मतलब ये तो जी वहाँ पर ऐसी ज़बरदस्त आवाज़ में ये अनाउंसमेंट करता था कि अब इमरान बोलने वाला है या शाह महमूद कुरैशी बोलने वाला है। कभी कभी हमारी बारी भी आ जाती थी जी। ये उनमें से है वो इंस्पायर्ड बाय इमरान जी। जिस तरह से धरने के अंदर आपने यूथ को मोटिवेट किया है और राइजिंग स्टार की आपकी स्पीच होती थी फिनोमिनल और बहुत ही ज़बरदस्त फीडबैक हो। मुझे प्रोग्राम के लिए इनकी बहुत ज़रूरत होती थी क्योंकि जो जज्बा बेदार करना था वो इनकी स्पीच से बहुत ज़्यादा। बहुत कैंडिडेट्स होते थे बेदार हो, मगर फैसल मुझे कहते थे आप तकरीर करें। मुझे कहते थे आप तकरीर करें। रोहिदात खान अपने किसी भी मेहमान को खाना खिलाए बगैर जाने की इजाज़त नहीं देते। पहला इश्क तो स्कूल ही में कर लिया, बाद की ज़िंदगी में टोटल कितने इश्क हैं? इश्क तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ है। मेरे ख्याल मोहब्बतें बहुत हुई हैं, काफ़ी मोहब्बतें हुई हैं और अच्छी अच्छी मोहब्बतें हुई हैं। अच्छी और बुरी मोहब्बत से क्या मुराद है? अच्छी कौन सी मोहब्बत होती है और बुरी कौन सी? मोहब्बत दो तरफ़ा होती है, दोनों तरफ से होती है तो अच्छी होती है। एक तरफ़ा जो होती है वो फिर ऐसा ही होता है। तो मेरे ख्याल अच्छी मोहब्बतें हुई हैं और दोस्तियाँ हुई हैं, अच्छा हुआ है, प्रोडक्टिविटी बढ़ी है उसमें, काम की बहुत ज़्यादा, और तालीम में भी फ़ायदा हुआ। तो एक लाइफस्टाइल ऐसा बन गया जिसमें मैंने ज़्यादा, और मैं जब जॉब भी करता था तो मैंने ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता था जो मेरी फ़ीमेल कोलीग्स थीं उनके साथ। मैं समझता हूँ वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड भी होती हैं। दोस्ती कह लें इससे, प्यार कह लें इससे, मोहब्बत कह लें इससे, लेकिन इश्क नहीं कह सकते। तो जो सिमटा तो रगे जहाँ की हदों तक सिमटा, मैं जो बिखरा तो समेटा ना गया तेरे बाद। ये और बात है कि ख़ुद को अफशा ना कर सका तू, पर कितना मैंने तुझे महसूस किया तेरे बाद। दो बच्चियां और खुशहाल घराना है, क्या आप भाभी से डरते हैं? रिस्पेक्ट करने में और डर में फ़र्क करना होगा। बहुत से खानदों को ताने मिलते हैं बीवी से डरता है। हो सकता है वो डरता ना हो लेकिन रिस्पेक्ट करता हो। ऐसा लगता है कि शादी के बाद कुछ डर से गए हैं, शादी के बाद संजीदा मोहब्बत नहीं हुई। मोहब्बत अब हो नहीं सकती, तरजीहात बदल गई हैं, टाइम भी नहीं है। पहले भी प्रॉब्लम था,
मोहब्बतें टाइम मंगदियां लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं, तरजीहात भी बदल गई हैं और आई थिंक ये हो जाता है वक्त के साथ, चीज़ें बदल जाती है। कभी हो गया तो हो गया, लेकिन कोई मेरा ख्याल है पाबंदी तो नहीं है ऐसी। जिस्मानी हुस्न में पसंद क्या है, आँखें, नाक, कान या बाल? पहली चीज़ जो स्ट्रेट अवे अट्रैक्ट करती है वो है आँखें, वो आँखें जो बातें करती है, वो आँखें जो कम्युनिकेट करती हैं, और कम्युनिकेशन स्किल्स पे दूसरी चीज़ आती है। लेकिन जिसकी कम्युनिकेशन आँखों से हो, उसकी आँखें पढ़ लेना और उसको समझ लेना, मेरा ख्याल है ये पहली चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। क्या आप वाकई इतने माहिर हैं कि सिन्फ़े नाज़ुक की आँखें भी पढ़ लेते हैं? उसने कुछ भी ना कहा और हम समझ गए, ये जो ताल्लुक होता है, कनेक्शन होता है, ये आँखों से इस्टेब्लिश होता है। नहीं, आँखें कैसे बातें करती हैं, ज़रा समझाएं। आँखों में केयर होती है, आँखों में एहसास होता है, आँखों में प्यार होता है, आँखें कलाम करती हैं, आँखें बातें करती हैं, बताती हैं कि उसको उन आँखों को एहसास है, वो आपकी जानब इस तरह से आपको देख रही होती हैं जैसे आपको शदीद शिद्दत से चाह रही हैं। सारा कुछ आँखों से मैसेज मिल जाता है। कुछ आँखें खामोश होती हैं, बातें नहीं करती, तो वो अट्रैक्ट भी नहीं करती। मार्गला पार्क पहुंचे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो? ठीक ठाक? तो यहाँ पे पकोड़े बनते हैं जी, मैं शुरू से यहीं आता हूँ पकोड़े खाने। शाम के वक्त ढाबे से पकोड़े और चाय पीना इनकी जवानी में पसंदीदा जगह रही है। स्पेशल पर्सन के साथ सेल्फी बनवाने गए। क्रिकेट ग्राउंड आए। क्रिकेट की रनिंग कमेंट्री भी तो आपका एक खास शोभा रहा है जी, आपने इसमें भी बड़ा कमाल हासिल किया, ये कैसे हुआ? अब रेडियो जब करता था तो क्रिकेट का तो ज़ाहिर है बड़ा शौक था, लेकिन चैनल 9 जो था ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ से कमेंट्री सुनी, बिल लॉरी, टोनी ग्रेग, इयान चैपल, बाद में रॉबिन जैकमैन, बहुत इंस्पायर किया उन्होंने। और असल में मैंने रेडियो शुरू भी इन आवाज़ों से किया था कि मुझे इनकी इनसे बड़ी इंस्पिरेशन मिली। थोड़ी सी कमेंट्री करके सिखाएं। मैंने उर्दू में रेडियो पे कमेंट्री की, और रेडियो की कमेंट्री आपको पता है सुहेल भाई बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि लोग देख नहीं रहे होते हैं, तो उनको पूरा एक्शन बताना होता है। तो उस पर यह है कि अंपायर को क्रॉस किया, बॉल की और ऊंचा शॉट, बहुत ही ऊंचा, फील्डर गेंद के नीचे, और अब गेंद फील्डर के नीचे ड्रॉप कर दिया। तो वो थोड़ा सा एक बीच पे पन डालना, फ्लो डालना, ये चीज़ें मैंने टोनी ग्रेग से बहुत सीखी, उनको सुन सुन के। तो रेडियो की कमेंट्री का बड़ा मज़ा आता है, एक तो टू द पॉइंट होती है, और कभी भी, क्योंकि मैंने क्रिकेट, प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेली हुई है, तो एक्सपर्ट ओपिनियन मैं नहीं देता हूँ, मैं एक्शन बताता हूँ, रिएक्शन जो है वो कोई एक्सपर्ट एक्स क्रिकेटर होते हैं वो मेरे साथ होते थे। आपके लीडर की कफायत शारी तो ज़रबुल मिसल बन चुकी है, क्या आपने भी उनसे कुछ सबक हासिल किया है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी एक इंस्पिरेशन मिली उनसे, और ये अप्लाई किया ज़िंदगी में। माँ बाप की भी तरबियत थी कफायत शारी के हवाले से, और वैसा ही है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं देखता हूँ लोग ईद की शॉपिंग कर रहे होते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स की आउटलेट्स पे गए होते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं रहा। आप सुहेल साहब को 15-16 ईदें होगी होंगी, मैंने कभी भी कपड़े नहीं सिलवाए हैं, या कभी भी फैमिली में भी नहीं किया हमने। हम बहुत ही ज़्यादा सादगी अपनाने को तरजीह देते हैं, और ये इमरान खान साहब का भी है कि वो सादा और एक मलंग दरवेश ज़िंदगी गुजारते हैं। डैम फंड्स इकट्ठे करने में भी पेश रहे, वो फंडिंग गई कहाँ, और क्या आप उसको ट्रैक करते हैं कि वो फंडिंग इस वक्त कहाँ है? अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों डैम्स पे काम शुरू हो गया है, और जो सुप्रीम कोर्ट का फंड था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी बेंच उस पर बना हुआ है जो उसकी प्रोटेक्शन कर रहा है, और वो अमाउंट उधर ही है, कोई 12-13 अरब है, और उसका एक एक उस अकाउंट में पैसे जा तो सकते हैं, लेकिन उससे सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के बगैर निकल नहीं सकते हैं।
तो वो डैम पे ही लगेंगे और गवर्नमेंट क्योंकि अब काम भी शुरू हो गया और आगे, तो ये देने वालों को पूरी तसल्ली होनी चाहिए कि उनका पैसा दिया हुआ प्रोटेक्टेड भी है, गवर्नड बाय द 5 मेंबर बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। फैसल मस्जिद पहुंचे। फैसल मस्जिद के इमाम कारी मोहम्मद इखलाक मदनी से मुलाकात की। फैसल जावेद साहब से मेरा ताल्लुक तकरीबन 91-92 से है। कुरान करीम से इनका एक बहुत शौक़ और एक बहुत जज्बा है। उस वक्त हम यहाँ पढ़ाते थे तो ये भी उस महफिल में बैठते थे और पढ़ते भी थे, और उस वक्त से एक ताल्लुक़ ऐसा चला आ रहा है कि कुरान से और आज़ान से। फिर 95 में मैं अमेरिका भी गया इनसे, उस वक्त भी वहाँ भी मैंने अपनी अजान सुनी। वहाँ लोगों ने इनकी, इन्होंने जो रिकॉर्डिंग की थी उसकी, वो वहाँ भी आवाज़ें गूंजी। और फिर मैं सोचता रहा कि ये इनको कोई वालदा की ख़ास दुआ है कि पूरी दुनिया में इन्होंने मेरी अजान को नशर किया। 2-3 साल से ये बाकायदा नमाज में खड़े होकर पूरा कुरान पूरा सपारा सुनते भी हैं। मेरा इनके भाई साहब भी आते हैं और पूरा पहली सफ में खड़े होकर इन्होंने कुरान सुना है। मैं एक बार इधर इतकाफ़ बैठने आया, 3 दिन का इतकाफ़ रमज़ान में आखिरी, तो वो मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ने इनकार कर दिया। तो मैं डिसअपॉइंट होके वापस जा रहा था तो कारी इखलाक साहब ने फिर मुझे मेरी मदद की और फिर मैं यहाँ बैठ सका। असर की नमाज फैसल मस्जिद में ही अदा की। तरलई इस्लामाबाद में पनाहगाह पहुंचे। असिस्टेंट कमिश्नर असदुल्ला खान ने इस्तकबाल किया। पनाहगाह का दौरा किया, इंतजामात का जायजा लिया। खाना भी नादार अफराद के हमरा पनाहगाह में ही खाया। पुरानी तहजीब व शाइस्ता लहजे के दिलदादा, मगर खुद नौजवानों के पसंदीदा, ये पुरानी रूह नौजवान तन में कैसे आ गई? बचपन से था, कार्टून की जगह मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का प्रोग्राम देखता था। मेरी उम्र के जो बच्चे थे छोटे होते हुए, वो टीवी पे कार्टून देखते थे, मैं मन चले का सौदा और ऐसे ड्रामे देखता था, तो वो एक पहलू था। मुझे हमेशा से क्रिएटिविटी का बड़ा शौक था। तो क्या ये नए पुराने का जो आपके अंदर तजाद है, ये आपको डिस्टर्ब नहीं करता, तंग नहीं करता? हाँ, ये है कुछ, पता नहीं कोई शुरू का फॉल्ट है, ये समझ नहीं आ रही है इसकी, लेकिन ये है कि इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और लेकिन वो भी मशागिल रहे जो होते हैं, लेकिन साथ में संजीदगी थी इस हद तक कि टेलीविज़न ने जो किरदार अदा किया पाकिस्तान टेलीविज़न के पुराने ड्रामों ने, और मेरी वालिदा का इसमें काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि उन्होंने हमें ये संजीदा और चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस, जिसमें हमें कोई लेसन मिले चीज़ों से, तो उनका एक बहुत बड़ा इसमें किरदार रहा। टर्किश ड्रामे अर्तुगरल को पाकिस्तान लाने में आपने भी अहम किरदार अदा किया, मीटिंग्स की, पाकिस्तान का ड्रामा क्यों बेहतर नहीं होता? ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए कि उनके उनको तो उनकी व्यूअरशिप ही ख़त्म हो गई थी, पीटीवी कोई नहीं देखता था, लेकिन अर्तुगरल के बाद और इमरान खान साहब का यह ज़बरदस्त आइडिया था कि इस्लामिक फेथ और इस्लामिक हिस्ट्री जो है उस पर जो इतना ज़बरदस्त काम हुआ है,
उसको उर्दू में डब करके चलाया जाए, ताकि क्योंकि अनफॉर्चुनेट बात है कि किताब पढ़ने का कल्चर ख़त्म होता जा रहा है जब से ये गैजेट्री बहुत ज़्यादा आ गई, डिजिटल सोशल मीडिया, तो किताब ये बेहतरीन टूल है, ड्रामा, फिल्म, टेलीविज़न, जिसके थ्रू आप तारीख लोगों को बता सकते हैं। तो इतना कमाल का काम नेमत बुज़दाक का हुआ हुआ था और इमरान खान साहब का बड़ा ज़बरदस्त आइडिया था, इससे पीटीवी को भी बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप मिल गई है। अब टाइम है पीटीवी के पास, जो उसकी लेगेसी थी, जो कि माशरे की तरबियत करते थे, इसके ड्रामे अच्छा क्या है बुरा क्या है कुछ दे के जाते थे, सब्सटेंस पे काम होता था, नुसरत ठाकुर साहब, अयूब खावर साहब, सायरा काजमी साहिबा, कमाल कमाल के हमारे ड्रामे थे, लेकिन आजकल वो हमें देखने को नहीं मिलते। लेकिन अब पीटीवी के पास मौका है, व्यूअरशिप आ गई है, तो उसको कुछ सब्सटेंस दें। तो मेरा ख्याल है ये अर्तुरुल एक थ्रेट नहीं, अर्तुरुल एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास कि वो अपने सब्सटेंस पे काम करे, तारीख पे काम करे। आप ख़ुद भी ड्रामा लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं, सास बहू के अलावा आप किसी और नए मौजू को ड्रामे में लाने का इरादा रखते हैं? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि सास बहू के अलावा तो कुछ है ही नहीं। मैं पांच चीज़ों पे काम कर रहा हूँ सुहेल साहब, और मैं लिखना शुरू कर दिया मैंने। हमारे यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो कि बड़े बड़े प्रॉब्लम जो हैं वो आम हो गई हैं, गुनाह आम हो गए हैं, रिश्वत, चोरी, सिफारिश, झूठ बोलना, गीबत करना, शिर्क की तरफ हम चले जाते हैं। ये बहुत ऐसे मौजूआत हैं जिस पे ड्रामे बनने चाहिए। तो मैं एक आने वाले दिनों में आपको इंशाल्लाह कुछ देखने को मिलेगा, मैंने लिखना तो शुरू कर दिया। हर नज़रियाती जमात में ये मसला तो होता है, नज़रियाती कारकुन कहते हैं स्काई लैब ज़्यादा आ गए हैं, क्या पीटीआई में यही मामला है? ये हर जगह होता है, आप सही कह रहे हैं, सारे लोग नज़रियाती तो नहीं होते हैं, मिक्स होता है, एक इम्तिजाज बनाना होता है, एक क्या कहते हैं, पीटीआई में नज़रियाती ज़्यादा हैं या ऊपर से आए हुए? पीटीआई की सबसे कमाल बात यह है कि उसका लीडर बहुत तगड़ा है और वो बहुत नज़रियाती हैं, हम लीडर की तरफ देखते हैं और हम चाहते हैं कि यकजहती रहे, और हमारी जो कोर टीम है, जो नज़रियाती कोर टीम है, मेरा ख्याल है वो इंटैक्ट है, बाकी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। पार्टियाँ तो सालों साल चलती हैं, पीटीआई के कारकुन भी तो गौर करते होंगे कि इमरान खान की रिटायरमेंट के बाद क़यादत कौन संभालेगा। कमाल बात है कि मौरूसी सियासत है ही नहीं है, और लीडर्स इतने इमरान खान साहब ने बना दिए हैं जिनकी कोई उनसे रिश्तेदारी नहीं है, और नज़रिए के ऊपर है, यंग लीडर्स हैं हमारे, बहुत से यंग लोग कैबिनेट का हिस्सा है, सूबाई कैबिनेट्स का भी हिस्सा है, वफाकी कैबिनेट का भी हिस्सा है, पार्लियामेंट में भी रिप्रेजेंटेशन। किसी लीडर पर इत्तेफाक हो जाएगा बाद में? मेरा ख्याल है कि ये वो पार्टी है जिसमें जमहूरियत कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही है, और ये इसकी एक अच्छी चीज़ भी है, तो आगे जाके जो भी तो जमहूरी तरीके से होगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ सुहेल भाई, इमरान खान के अलावा कम अज़ कम मैं पीटीआई का तस्वर नहीं कर सकता। पसंदीदा गुलूकार, अदाकार और अदाकारा कौन सी है? मुझे एक्टिंग में मैंने काफ़ी, मैं समझता हूँ शफ़ी मोहम्मद शाह साहब जो थे, चांद घिरैन जिनका था, और वो फितरी अदाकारी में उनका कोई मैच नहीं है शाह के ऊपर। सायरा काजमी जो है वो मेरी फेवरेट डायरेक्टर है, बल्कि निजात ड्रामा अगर आप देखें तो मेरी उनसे बात हुई तो वो खुद कहती हैं कि वो भी वो ड्रामा दोबारा नहीं बना सकती, इतना कमाल उनका, और उनके बाकी काम भी बहुत ही अच्छे थे। बाकी अदाकाराओं में जो है मैं समझता हूँ अतीका ओडो साहिबा हैं, जो पुरानी अगर बात कर लें तो मारिया वास्ती हैं, मानूर बलोच थी, ये कुछ चेहरे थे जिन्होंने कमाल काम किया। कोई ऐसी अदाकारा जिसने आपकी नफ्सियात और जहन पे भी कब्जा कर लिया हो? होता है शुरू में, तो आप देखिए ना हमारी इतनी पाकिस्तान में जो ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी जो है, मेकअप की ज़रूरत भी नहीं होती है। हिंदुस्तान में आप देखें तो आपको पता चलेगा कि कितना मेकअप होता है, मेकअप के बगैर जो है वो नहीं। पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम नहीं है, और पाकिस्तान में हुस्न जो है वो बहुत ज़्यादा है, और जितने भी हमारे पुराने ड्रामे थे, शिनाज शेख साहिबा थी, एक फितरी उनके अंदर एक नेचुरल ब्यूटी थी, और बाकी भी अदाकारों के मैंने नाम लिए तो यस बड़ा अच्छा लगता है, और उनकी अदाकारी भी अच्छी होती है, सब्सटेंस भी होता है, और कभी जहन पे छा भी गई वो? छा गई काफ़ी हद तक। शहनाज शेख की पर्सनालिटी ने काफ़ी जो है असर किया, बड़ा अच्छा लगा।